चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी वन पासिस इन टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल वी टू। ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा नेचुरली लो टू हाई मूव करता है, होता भी है, ठीक है, चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सबसे पहली बात मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ये लो पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी हाई पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर लगेगा, फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ पहुँचा, ये पोटेंशियल एनर्जी वी वन है, ये पोटेंशियल एनर्जी वी टू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इन टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वी टू माइनस वी वन कह दो, ठीक है, वी टू माइनस। तो जो वर्क डन जितना भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में उसकी वजह से चेंज आएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नॉट वी टू माइनस वी वन। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई कह दो, ठीक है, ई कह दिया हमने, तो ये जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी टू माइनस वी वन के ही तो प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी टू माइनस वी वन। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।